कंपटीशन विनर इस वर्ष स्टेट रिप्रेजेंट करके आए हैं। इसी तारतम्य में अगली स्टेप जो बहुत नोटिसेबल है, खो खो कंपटीशन में श्री कवरतारा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस पार्टिसिपेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि क्लस्टर में चार स्टेट के स्कूल्स आते हैं और आपके इस स्कूल के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर इस क्षेत्र का गौरव बनाया है। यह निश्चित तौर पर अभिषेक ठाकुर और उसकी टीम को इसके लिए बधाई पेश की जाती है। निमार सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग 40 विद्यालयों के 40 CBSE एफिलिएटेड विद्यालयों के बच्चों को मंच उपलब्ध कराया जाता है, जहां वे अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपनी प्रतिभा को तराश सके और एक स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण बन सके। इस दिशा में भी हमारे बच्चों ने उस मंच पर भी अपने काफी कर्तव्य दिखाए हैं, करामात दिखाई है। अंडर 19 वॉलीबॉल में सेकेंड प्राइज विनर रही आपकी बच्चों की टीम। स्विमिंग कंपटीशन में 3 फर्स्ट प्राइजेस प्राप्त किए हैं। इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में आउट ऑफ 4 3 प्राइजेस प्राप्त किए हैं। साइंस डेलिब्रेशन में फर्स्ट प्राइज अंडर 19 प्राप्त किया है। कॉमर्स क्विज में बच्चों ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त की है। टेबल टेनिस में 3 फर्स्ट प्राइजेस आपके विद्यालय को मिले हैं। ये मैं निमार सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के परिणामों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन सभी के बाद अगर मैं इस विद्यालय के बारे में बताना चाहूँ तो शायद समय कम पड़ जाए। विद्यालय एक ऐसी संस्था बन चुका है जहाँ पर निरंतर गुणवत्ता प्रदान की जाना है। द स्कूल इज एट द न्यू फेज वेयर द स्टूडेंट्स आर गिवन इनफ एनवायरमेंट टू बी टेक्नो सावी एज द टीम ऑफ कवरतारा। अभी अपने उद्बोधन में माननीय डायरेक्टर सर ने बताया है, अब हम पिछले किसी भी सॉल्यूशन से वर्तमान समस्याओं का हल नहीं कर सकते। आज बच्चों को इस स्तर पर लेकर के जाना है जो अपने स्तर पर उन समस्याओं का हल खोज सके। बच्चों को सिखाना नहीं, बच्चों को मजबूत बनाना है, इस योग्य बनाना है कि आज से 20 साल के बाद जब वो इस ग्लोब का निर्माता बने, नीति निर्धारक बने, तो उसके अंदर वो क्षमता हो कि जिससे कि वो अपने इस पूरे अपने निर्णय को सही तरीके से ले सके। माननीय पालकगण, आपके विद्यालय के लगभग 12 बच्चों ने अपने सॉफ्टवेयर खुद तैयार करना शुरू कर दिए हैं, जिनके नाम हैं समय जैन, अनंत डोंगरे, ऋषि राज सिंह गौर, संदीप पाटीदार, गिन्नी जैन, महक अग्रवाल, सार्थक गर्ग, आयुषी सिसोदिया, सौरभ बोरासी, सुजल छांजेर, नैना वर्मा, सलोनी अग्रवाल, यशस्वी यादव, ज्योतिषा लेबा खान। इन बच्चों ने कैलकुलेटर, कन्वर्टर और रिजल्ट प्रिपरेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, डिजिटल क्लॉक, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, पेरेंट्स स्टेटस आदि सॉफ्टवेयर का निर्माण खुद किया है। ये सभी बच्चे आप लोगों से उत्साहवर्धन चाहते हैं। श्री कवरतारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल हैज क्रिएटेड एन एनवायरमेंट वेयर लर्निंग इज ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल रिस्पेक्ट। द क्वालिटी एजुकेशन दैट हैज बिकम द हैबिट ऑफ स्कूल इज नॉट स्टेबल, इट इज इन फास्ट ग्रोइंग पेस। जैसा डायरेक्टर सर ने कहा है कि कवरतारा इंस्टीट्यूट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अब आगे बढ़ने के लिए ही बने हुए हैं। दैट विल इनेबल रेडिकल चेंजेस टू टेक प्लेस। द स्कूल ऑफ योर्स स्टेप्स फॉरवर्ड विथ मॉन्टेसरी सेंसोरियल लैब वेयर टाइनी टॉट्स डेवलप सेंसोरियल ऑर्गन्स विथ साइकोमोटर एंड एंजॉयज द स्मॉल रिसर्च इन जूनियर साइंस लैब एंड एक्सप्लोर द सेम इन कंप्यूटर लैब
refreshes their mind with music and dance, gain strength in sports activity, become technocrat in robotics lab, test concepts in physics, chemistry and biology lab, and ready to fly with aero modeling lab. Dear parents, इन सभी कार्यों के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जो विश्वास पिछले 9 वर्षों से मुझ पर दिखाया है, मैं इस मंच के माध्यम से उस विश्वास के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने उन पालकों का, जिन पालकों के सहयोग के बिना ये सारी सफलताएं अधूरी थी, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इन सारी सफलताओं में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष सहयोग किया है। मैं एक बार फिर से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। Hobbies, Tahat? Oh well, my hobbies include maintaining my physical and mental health. And what about you, Pulak? I'm a big fan of relaxing and not having any schedule. Oh ho, Pulak, you should plant the seed of meditation to reap the fruit of peace of mind. Peace of mind? Oh yeah, you are right. I definitely need to have it. Yes, our next performance is also based on yoga itself. Do you know, Tahat? Yoga is 1000-year-old Indian body of knowledge. Wow, interesting. पर क्या तुम्हें पता है पलक, हमारे शरीर के अंगों की कितनी उम्र होती है? 400 वर्ष होती है, पर हमारी दिनचर्या ने इसे केवल 50 या 60 वर्ष का ही रहने दिया है। लेकिन हाँ, योग के जरिए न केवल बीमारियों का निदान किया जा सकता है, बल्कि इसे अपना कर हम शारीरिक व मानसिक तनाव से भी निजात पा सकते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, और यूएनओ जैसे बड़े संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की स्वीकृति दे दी है, तो क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से कुशल योग को समर्पित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग योगा इज ओनली द वे टू बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग के द्वारा कार्य में कुशलता लाना ही योग है। तो हमारे कवर तारेट भी योग को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं। सो लेट्स वेलकम आवर यंग योग गुरुज विद देयर अमेजिंगली सुपर आसन।
Hello. Skating through the park, skating down the stair, skating up the path, skating in the air, skating, skating everywhere. Forward, backward, or sideways. I just love to move around on rolling wheels. It's so fast that nobody can even catch me on their heels. It is quicker than walking and more real than anything. But Akshat, I tried a lot. It's difficult. It's not easy to learn. I understand. It doesn't get easier, but you get stronger. Oh yes, but I even fall sometimes. Falling is good. It means you're trying and you feel yourself finally free. And Sujal, do you know, when I first started skating and moved at fast pace, my body ripped through the cage and finally I felt free. I am free. Nothing in the world can hold me back. It's a part of me and always be my roller skates. And what about your first experience of roller skates, Sujal? When I first stepped onto the skates, an immediate shock of electricity shoot through me. My soul screamed. When I first fell, my friends laughed at me. And I again tried to run speedily and forgot the falling feel completely. Don't be afraid to fall. Remember, the one who falls rises up and gets a fine future full of hope. As today is no time to rest, during leisure hour, skating is the best. Skating keeps us very fit, as exercise of leg is not limited. Whole body and mind is well affected. Action speaks louder than words. So let's not talk more and call upon Kavitara skaters. So let's welcome them with a huge round of applause.